लोकसभा के चुनाव में अलग अलग लोकसभा सीटों के माहौल को जानने के लिए अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ से सटी हुई सीट बाराबंकी में मौजूद हैं। बाराबंकी वो सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने सिटिंग सांसद को टिकट दिया था, पर एक वीडियो लीक होने के बाद, ये कहा गया कथित वीडियो एक लीक हुआ और उसके बाद उनका टिकट कटा और भाजपा ने राजरानी रावत को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन की तरफ से ये सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई है और तनुज पुनिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पीएल पुनिया के बेटे हैं, इसके पहले भी वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार कांग्रेस के पक्ष में क्या माहौल है, बीजेपी के तरफ क्या माहौल है, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पास पहुँचेंगे, उनसे समझेंगे क्या स्थितियाँ हैं। और ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के वोटर हैं? हाँ भाई। क्या नाम है? अमित। अमित भाई, क्या माहौल है बाराबंकी का? बाराबंकी का माहौल है कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, तनुज पुनिया। मुद्दे क्या हैं बाराबंकी? मुद्दे यहाँ पे जो है बेरोजगारी है, आप सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को मान लीजिए भाई। एसआई वाला हो गया, पुलिस वाला हो गया, आर ओ एआर ओ हो गया फॉर्म, जितने पेपर इनके सरकार में निकल रहे हैं सब निरस्तित होते जा रहे हैं। अब हम लोग भी पेपर देते हैं, मगर वही है कि भाई पेपर देने का फ़ायदा क्या है? जब पेपर ही लीक हो जाता है तो आगे चल के क्या फ़ायदा है हमारे पढ़ने नाले में? मौजूदा सरकार सही काम नहीं करी, इसलिए आप सरकार बदलनी चाहिए। 10 साल हो गए हैं, अब बदलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई भी आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं तो भाई, लस्सी पी रहे हो? ठीक है। हाँ, मस्त। ये बताओ, चुनाव में अभी लस्सी से तो माहौल ठंडा कर रहे हो, बाकी चुनावी माहौल जो गर्म है उसमें क्या माहौल देख रहे हो? उसमें कांग्रेस दिखाई दे रही है। कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्यों? बस इसका है कि किसानों का ज़्यादातर अभी हम देख रहे हैं, जो उनका संकल्प पत्र है कि कर्ज माफ़ी का है और बाकी सारी चीज़ें हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि 8,000 रुपये पर मंथ देंगे, 1,00,000 रुपये सालाना देंगे, तो इससे कुछ विकास की ओर जाएगा, कुछ फायदा। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह, मेरा नाम है। यहीं के रहने वाले जी। क्या माहौल है बाराबंकी? यहाँ तो कांग्रेस ही जीतेगी। भाजपा के जो सिटिंग सांसद रहे उनका टिकट कट गया, भाजपा ने दूसरे प्रत्याशी को वोट, अपना जो प्रत्याशी वो बनाया है, उनका कैसे क्या माहौल देख रहे हैं और क्या भाजपा का क्या विरोध? भाजपा सत्ता परिवर्तन जरूरी है, देश हित में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है और कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया। भाई तनुज पुनिया के पिताजी सांसद रहे हैं यहाँ पे बाराबंकी में, जितना उन्होंने काम किया है, अभी तक 2 सांसद आए बीजेपी के, उन्होंने काम नहीं कर पाए वो लोग। भाई जो काम कांग्रेस ने किया है अपने कार्यकाल में, वो अभी हमें नहीं लगता है कि और किसी ने किया होगा बाराबंकी। कुछ और भी लोगों समझेंगे, यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे भी समझेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है? सर, हमारा प्रदीप कुमार। प्रदीप भाई, क्या माहौल है बाराबंकी का? आप तो यहाँ सबसे मिलते होंगे, समझते होंगे। माहौल इस बार सब चेंज हो जाएगा जी, माहौल इस बार सब परिवर्तन का लग रहा है। भाजपा से क्या नाराजगी है? नाराजगी कोई किसी को नहीं है, नाराजगी कोई नहीं है, बस आदमी परिवर्तन चाह रहा है बस। आपका शुभ नाम है सर? बस भैया जो बदल दिए हम भी बता रहे हैं सब, यहीं के रहने वाले हैं। जी जी जी, आप भी यही चाह रहे हैं जी? मुद्दे क्या हैं बाराबंकी के? मुद्दे सब अच्छे हैं बस भैया जो कर रहे हैं। आप साहब यहीं के रहने वाले हैं, क्या शुभ नाम है? कृष्णानंद मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है बाराबंकी का? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। किसकी हवा चल रही है? मोदी जी की। मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी जी जीतेंगे और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, जनता प्रसन्न है, बहुत अच्छा चल रहा है माहौल। अच्छा, चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मतलब लोकसभा का चुनाव जब कोई, मतलब कोई भी चुनाव होता है तो आम जनता वोट करती है तो अपने इश्यूज पर वोट करती है, बाराबंकी का मुद्दा क्या है? बाराबंकी का मुद्दा कोई विशेष नहीं है, सब अच्छा है, विकास भी है, सारी चीज़ें सब बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको लगता है? महंगाई बढ़ रही है लेकिन लोगों के पास 20,000 के मोबाइल हैं, 10,000 के मोबाइल, अगर महंगाई बढ़ती तो लोग ले पाते मोबाइल, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे पहनते हैं, तो बहुत अच्छा सब माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका शुभ नाम? इधर आ गया। पंडित सुपूजन तिवारी। क्या माहौल है बाराबंकी का? बाराबंकी माहौल सब ठीक है, बढ़िया है। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव के भी माहौल बढ़िया चल रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी, जो रघुनाथ जी के सब सेवक हैं अपने अपने कार्य में सब लोग लगे हुए हैं।
कर्तव्य भी कर रहे हैं, और जो कर्म कर रहा है वो सफल है, जो कर्म नहीं कर रहा वो विरोध कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, जो स्वयं कर्म कर रहा है वो इधर उधर भटकने को आवश्यकता नहीं हो उसको। अब जो कर्म ही नहीं कर रहा तो उसके लिए काम ही नहीं है, संसार में काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो रोजगारी से आप इसको जोड़ रहे हैं जी? बेरोजगारी से आप इसको जोड़ रहे हैं कि जो नहीं काम करना है? हाँ, तो स्वयं कार्य सबके पास है, देखिए यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, और जिसके पास जो कार्य करना चाहता है उसके लिए कर्म है वो कर्म कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं तो वो अपने घर में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कर्म नहीं है, कार्य नहीं है। ऐसा नहीं है, कर्तव्यवान प्राणी के लिए हर जगह पर कर्म है, और कर्म क्षेत्र से सब लोग जुड़े हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहीं के रहने वाले बाराबंकी? जी, मैं यहीं बाराबंकी का। शुभ नाम है? मेरा नाम वैभव सैनी है। भाई क्या माहौल है बाराबंकी? कि माहौल तो बहुत गर्म है यहाँ, और बीजेपी का माहौल ठंडा। गर्मी वाला गर्म है कि कौन सा गर्म? नहीं, गर्मी वाला भी और चुनावी माहौल भी बहुत गर्म है। बीजेपी का माहौल बहुत ठंडा है, और कांग्रेस का और गठबंधन का माहौल बहुत ठंडा है, क्योंकि अखिलेश जी वाला गमछा लिए हैं आप। अखिलेश जी भी यही वाला गमछा लेके चल रहे हैं। अब ये तो हमें मिल गया, एक लोगों ने गिफ्ट कर दिया था, तो हम भी इसको लेके टहलने लगे। गर्मी बहुत है इसलिए मुंह भी पोंछ लेते हैं इससे। अच्छा, बाराबंकी के मुद्दे क्या हैं चुनावी? देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ तो विकास का कार्य होना है। कई सारे सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इन सबको बनना है। एक यहाँ जनेशमा है, एक रामनगर में है डिग्री कॉलेज। सांसद 2-10 साल की भाजपा गवर्नमेंट में यहाँ एक काम नहीं हुआ, और कई बार बंकी का एक पुल है वो प्रस्तावित होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। इतनी जनता वहाँ परेशान है, और स्टेशन के जस्ट बगल का कस्बा है वो, बंकी ब्लॉक लगता है वो, और अपने में जो है वो एक नगर पंचायत भी है, और उसके बावजूद यहाँ उन सांसदों को नहीं दिखा। एक पीएल पुनिया जी ने एक पुल यहाँ बनवाया आनंद भवन स्कूल के पास, बहुत अच्छा ओवरब्रिज, 2 क्रॉसिंग थी, एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने ये किया, और कई सारे और काम किए उन्होंने। लाइट लोगों के यहाँ लगी, नल लगे, और सारी जो भी योजनाएँ एक सांसद की निधि से लग सकती है वो सारे काम हुए। उनके बेटे इस बार चुनाव में है, मतलब आप लोग उनको सपोर्ट करें? जी, तनुज पुनिया को, और चुनाव यहाँ बहुत अच्छा है। दादा यहीं के रहने वाले हैं? दादा हम सीतापुर के रहने वाले। सीतापुर के रहने वाले। कुछ और भी लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, युवाओं के पास। यहीं के रहने वाले हो भाई? नहीं सर, हम लखनऊ से। लखनऊ के रहने वाले जी? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो भाई? लखनऊ से। लखनऊ? अच्छा, आप भी लखनऊ के? अच्छा, बिल्कुल। एक साथ ही और है, आप कहाँ के रहने वाले हो भाई? यहीं के। क्या मुद्दे हैं चुनाव? मुद्दे क्या है, आप महंगाई देख ही रहे हो, सिलेंडर कितना आगे जा रहा, और इसी तरह से देखो रेट, अगर कोई चीज़ बढ़ा है तो रेट बढ़ाओ उसमें। अब किसान की बोरी से 5 किलो चोरी कर रहे हो खाद का, रेट बढ़ा नहीं रहे हो, रेट बढ़ाओ तो किसान को तो कुछ फ़ायदा होगा उसमें, और 5 किलो कम कर दिए आप, किसान क्या करे, मर जाएगा किसान इसी तरह है, और क्या करेगा? तो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय तो हो ही रहा, इससे ज़्यादा अन्याय क्या होगा है? और जो है अभी आप देख भाई क्यों यहाँ आते हैं, भाषण दे के चले जाते, कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, बस केवल जब चुनाव आता है तो यहाँ के सांसद दिखाई पड़ते हो, फिर तो रंगरेलियाँ मनाने चले जाते हैं, तो आपके टिकट चेंज करके दूसरे के, जब देखें कि ऐसे ऐसा है टिकट चेंज कर दिए, तो जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। अब की बार में गठबंधन, बस सीधा तनु। तो कुछ और भी शख्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा आप तो कांग्रेस का गमछा डाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस के क्या हैं आप? मैं कांग्रेस का शहर अध्यक्ष भी हूं। अच्छा। और इस समय प्रेजेंट टाइम जो है कैंडिडेट का आपका जो प्रत्याशी है उसको कोई क्यों वोट करे? नहीं, पहले तो इसलिए करेगा कि हमारा जो प्रत्याशी युवा है, और युवा इस समय जो है बेहाल है, क्योंकि मुद्दे यहाँ पे हैं महंगाई के और बेरोजगारी के। इस सरकार ने आज तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया, नौकरियाँ नहीं दी। पहली चीज़ जो है नौकर नहीं देने की वजह से जो है युवा क्या करेगा, युवा कुछ काम चाहिए ना। युवा हमारे साथ है, जिला बाराबंकी का 53 लोकसभा का युवा हमारे साथ है, इसलिए जीत हमारी ही होनी है, निश्चित सुनिश्चित है। दूसरा कारण ये है कि उनके पिताजी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, कई करोड़ का काम कराया है और कराते हैं अभी भी वो, चूँकि भले वो सत्ता में नहीं है लेकिन अपने बिहार पर कराते हैं। तो पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को खाली मुद्दे नहीं चाहिए कि ये हम कर देंगे वो कर देंगे, पब्लिक को काम चाहिए ज़मीनी स्तर पे, और ज़मीनी स्तर पे कौन है? डॉक्टर पीएल पुनिया साहब हैं यहाँ के। कौन काम क्या हुआ है ये कुछ लोगों ने बताया, युवाओं के क्या मुद्दे हैं
ये लोगों ने बताया। और इस वक्त आप बाराबंकी के लोगों की आवाज़ EBP के माध्यम से सुन रहे थे। लोग क्या नई सरकार से उम्मीद करते हैं और पुरानी सरकार ने क्या काम किया है, ये आपने अभी सुना। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।